यस अस्सलाम वालेकुम। सो हम प्रॉपर जो मीटिंग का स्टार्ट है वो करते हैं अब। आई थिंक सो जितने लोगों ने आना था वो आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेशन, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और स्पेशली थैंक यू जिशान आपका कि आपने जो है हमें टाइम दिया, क्योंकि संडे वाले दिन काफ़ी लोगों की मसरूफियत होती है। फिर भी हमने जिशान भाई से टाइम लिया, फिर उसके बाद नोफल सकरान भाई से टाइम लिया, और यहाँ मैंने मीटिंग में देखा है उस्मान मुशरफ भाई, माशाल्लाह, जिनका भी यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनियम में एडमिशन हुआ है, वो भी आए हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान, आपका भी। सो आपसे भी कुछ मोटिवेशन के अल्फाज हम सुन लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सीखने या सिखाने से आती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी जो लोग हैं पाकिस्तान में, जिन लोगों का अभी एमफिल मैथमेटिक्स हो गया है या जिन लोगों ने बैचलर किया है, उनके लिए हम आसानियां पैदा कर सके जितनी हो सके। तो काफ़ी लोग हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए में पहुंच चुके हैं, इटली में आ चुके हैं, जर्मनी में आ चुके हैं, स्पेन में चले गए हैं, तो हमारी मैक्सिको में चले गए हैं, फिर फ्रांस में आ गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब लोगों के एडमिशन होते हैं और उनकी मोटिवेशंस बाद में सुन के और ज़्यादा मज़ा आता है कि आप लोग किस वजह से वहां तक पहुंचे हैं। तो हम लोगों ने स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है, मैथमेटिक्स मीडिया, जिसका मकसद हमारे लिए यही है कि हम, जाहरी बात है, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज में लिए, और उनको जहाँ पर डिफिकल्टीज नज़र आती हैं अप्लीकेशंस में, तो हम उनको हैंडल कर सकें। और ये जो मीटिंग्स आज की है स्पेशली, ये हमने इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई है, ये कोई स्पेसिफिक किसी कंट्री पे नहीं है, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं जो या तो फ्रांस पे थी, या इटली पे थी, यूएसए पे थी, मैक्सिको पे थी, और यूएई पर थी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज पे। तो और लेकिन आज की हमारी मीटिंग ओवरऑल है, तो ओवरऑल का मकसद यही होता है कि आप वहां पर आके अपने क्वेश्चंस या क्वेश्चन पूछें, हम उनके जो है आंसर कर सकें जितना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा, असल में लोग हमें मैसेजेस करते हैं, ये बात तो जिशान भाई से भी सुन लेते हैं, स्पेशली मैं ये बात कहना चाहूँगा, लोग हमें मैसेज से पूछते हैं हमें गाइड करें स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। तो असल में हम ये जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस वक्त वो सारे लोग बिजी होते हैं, मतलब अपने कामों में, यहाँ पर भी, लेकिन इंसान ने जब कोई भी चीज़ हासिल करनी होती है तो उसके लिए आप लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। अब एक बंदा जो इतने ग्रुप्स को हैंडल कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहा है, वो एक बंदे को तो गाइड नहीं कर सकता, वो फिर आपको जान ही छिड़वाएगा, वो कहेगा ये कर लें वो कर लें, बस इस तरह से। तो जब प्रॉपर आप किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, वहां पर आते हैं, तो आप वहां पर एक बंदे की मोटिवेशन नहीं सुनते, आप बहुत ज्यादा लोगों की मोटिवेशन सुन रहे होते हैं। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, थैंक यू वेरी मच जिशान, आपने टाइम दिया, और उस्मान भाई आपका भी शुक्रिया, लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं कि नौफल भाई अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सके, उनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे ही वो आएंगे तो उनकी भी हम मोटिवेशन सुन लेंगे। तो ये जिशान भाई हैं, ये हमारे जर्मनी में, इनका मास्टर टू लीडिंग पीएचडी में एडमिशन हुआ स्कॉलरशिप पे प्लांक्स इंस्टीट्यूट में, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो ये वहां तक पहुंचे हैं, तो आपको कंग्रेचुलेशन जिशान। और दूसरा उस्मान, आपको भी कंग्रेचुलेशन, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया में एज अ पीएचडी स्कॉलर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम टू इटली। अच्छा अच्छा कुछ चीज़ें ना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिशान, तो जहाँ पर अगर कोई मसले मसाइल नजर आए तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये हम कोई एक प्रॉपर जैसे प्रेजेंटेशन होती है ना, उस तरह से हम नहीं करेंगे इसको, हम जस्ट इसको ऐसा करेंगे कि जैसे डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आता है वो हमसे शेयर कर सकता है कि मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में नहीं रखेंगे कि बाद में कोई सेशन होगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन जहाँ पर भी है वो वहां पर पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन कराऊं तो आई एम जवाद अली, पीएचडी स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। तो आज का हमारा सेशन का जो मकसद है वो दोबारा से मैं बता देता हूं कि अगर किसी को स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में कोई मसले मसाइल हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ टिप्स देखते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए जो मेन टिप्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, हाँ,
यहाँ पर हम अगर देखें कि इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, देयर आर द वेरियस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज, जैसे कि फुल ब्राइट है यूएसए में, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दाद स्कॉलरशिप है, लेकिन दाद स्कॉलरशिप्स में अगर देखा जाए तो ये मैथमेटिक्स के लोग कम अप्लाई कर सकते हैं अगर इसकी रियलिटी बेस देखी जाए। फिर इरास्मिस है, पाकिस्तान में आपको पता है इस साल 192 स्टूडेंट्स इरास्मिस मॉन्टी स्कॉलरशिप्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, और मेरे ख्याल में ये डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़े कंट्रीज में आता है जिनको स्कॉलरशिप ये इरास्मिस मिला। नेक्स्ट मैक्स मैक्स स्कॉलरशिप आता है जापान का। फिर इटालियन स्कॉलरशिप है, तो इटालियन स्कॉलरशिप जो है इसमें ये है कि आप पीएचडी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी सुपरवाइजर, लेकिन अगर आपकी किसी से पहले बात है, लाइक आप सुपरवाइजर से के बगैर भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आपकी जब पहला मरहला चलता है, आपकी एप्लीकेशन को वो रिव्यू करते हैं, उसके लिए आपको बाद में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो ये चीजें बगैर सुपरवाइजर के चलती हैं। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है, उस वक्त आपको जो है वो सुपरवाइजर दिया जाता है। उसके बाद यूके के स्कॉलरशिप्स आते हैं, तो ये सारे स्कॉलरशिप जो हैं ये तो कुछ मखसूस लिखे हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत स्कॉलरशिप्स हैं। लाइक अभी जिन लोगों का एमफिल मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है तो उनको करना चाहिए अप्लाई बीएमएस में, ठीक है। बीएमएस क्या है? बीएमएस जो है वो फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन और टीयू और एचयू, इस तरह ये निशान, ये तीन यूनिवर्सिटियों के साथ मुंसलिक एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आपको बताएं तो इसमें दो फेज होते हैं, एक फेज वन होता है और एक फेज टू होता है, ठीक है। फेज वन में अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप फेज वन में अप्लाई कर सकते हैं, अगर फेज टू में अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ जर्मनी में। बकाया अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस में मोस्टली अगर आप चेक करते रहें तो आजकल स्कॉलरशिप ओपन है, कुछ M1 के लिए भी ओपन है, कुछ M2 के लिए भी ओपन है। अब M1 और M2 को समझें, जब आप लोगों का बैचलर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप M1 में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मास्टर के फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप M2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू हैव डन योर जो फर्स्ट ईयर है आपका एमफिल का, वो आप पाकिस्तान में कर चुके हैं, लेकिन आप रिसर्च के लिए या मजीद कोर्सेज के लिए, यहाँ पर तो कोर्सेज दोबारा से पढ़ाए जाते हैं सेकंड ईयर में भी, तो आप सेकंड ईयर के लिए भी M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा जो है वो 1000 यूरो तक जो है वो स्कॉलरशिप M2 का भी मिलता है फ्रांस में, तो यू कैन इजीली अप्लाई देयर। तो ये एक मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि जो आप बीएमएस में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके बाद फ्रांस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मास्टर की बात की जाए, अगर आपने इटली में अप्लाई करना है तो फिर आर यूनिवर्सिटी में मास्टर की सीट्स कम होती हैं, लाइक एक या दो स्कॉलरशिप की सीट होती है, बकाया आपको स्कॉलरशिप नहीं देते ये लोग। हाँ, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है तो पीएचडी में आप इजीली स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं, जो कि पूरी इटली में सेम स्कॉलरशिप है, और 1200 यूरो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, सही है। तो यहाँ पर अनिका मेहराब भी हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। इनका भी यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा में एडमिशन हुआ है, आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया है। क्योंकि ये जब सारे लोग स्कॉलरशिप होल्डर आते हैं तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का वे है। फिर यहाँ पर पोलैंड से भी ज्वाइन किया है हमें, थैंक यू वेरी मच आपको भी सर, आपने हमें ज्वाइन किया है और काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। जिशान भाई, आप थोड़ा सा बताएं कि ये जब आपको जर्मनी में जो आपका स्कॉलरशिप पे ये एडमिशन हुआ है, थोड़ा सा हमें ये बता दें कि आपने ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या कोई मेल्स की थी, क्या है इस एप्लीकेशन के बिहाइंड आपके जो मोटिवेशन है वो क्या है? जिशान आपको सुन नहीं पा रहे, मेरे ख्याल में आप म्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही जिशान।
हेलो। जी, सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम अलैकुम टू एवरीवन एंड थैंक यू जवादरी और आप सबका भी कि आप लोग इधर आए हैं। एंड सबसे पहले तो मैं जवादरी का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनने बनाया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों और मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और ये 24/7 अवेलेबल होते हैं हर बात के लिए। सेकंड थिंग, जर्नी का जवाब ने आपको बताया था कि तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो दौड़ स्कॉलरशिप है, लेकिन दौड़ बहुत कम्पिटेटिव है और इसमें सीट्स कम होती हैं और समटाइम इस तरह होता है कि इसमें कंट्री वाइज सीट्स होती हैं और पाकिस्तान के लिए लास्ट ईयर थी भी नहीं मैथमेटिक्स में कोई भी। ठीक है, तो सेकंड थिंग, मैं जो फर्स्ट इन्वॉल्व हुआ था मैं फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लन में इन्वॉल्व था, ठीक है, मास्टर्स के लिए। असल में जर्नी का ये है कि यहाँ पर आप ना छोटे छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे, वो अदर देन मतलब कि यूनिवर्सिटीज होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बने होते हैं जहाँ पर सिर्फ रिसर्च का ही काम हो रहा होता है, जैसे इधर ज्यूस इंस्टीट्यूट बर्लिन है, ठीक है, फिर इसी तरह ये फिट्ज हैबर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लांक सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा, ये उसके साथ अटैच है। ठीक है, तो मैं इधर होता हूँ फिट्ज हैबर इंस्टीट्यूट मैक्स प्लांक सोसाइटी बर्लिन, और उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसे हम थ्योरी डिपार्टमेंट कहते हैं। एक्चुअली इसके ओवरऑल 5 डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, थीके? तो इसके लिए जाहिर सी बात है आप जो मोस्टली आपने देखा होगा कन्वेंशनल तरीके से हटके जो पीएचडी या मास्टर्स जो सीट्स एडवर्टाइज होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस आ रही हैं। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यानी कि होता है सुपरवाइजर के पास, आपने उसके हिसाब से कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है या आपने उस हिसाब से सुपरवाइजर को कन्विंस करना है कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये आता है या ये मेरी फील्ड इस तरह से रेलिवेंट है। ठीक है, सेकंड थिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील की है, मे बी जब आप भी इसके साथ एग्री करें कि हम मैथमेटिक्स वाले लोग मोस्टली यही देख रहे होते हैं कि ये मैथमेटिक्स का बंदा है, हमने इसी के पास ही जाना है, हमने इसी के साथ ही काम करना है। ठीक है, अभी मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वो सारे उधर मिक्स ही, सारे केमिकल इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटेशनल के हैं, फिजिस्ट हैं, ठीक है, और इन उनमें जाके एक अब मैं मैथ का बंदा भी शामिल हो गया। ठीक है, तो जब स्टार्ट में मैंने उनको मेल की थी, मैंने सुपरवाइजर के साथ मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, सारा मैंने उनका काम देखा, तो वो मुझे भी सारा फील हुआ कि ये सारा केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियर्स का काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस काम के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है, एक पार्ट वो होगा जो केमिकल इंजीनियर्स करेंगे, एक पार्ट वो होगा जो मैथमेटिशियंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है कि आप जरूरी नहीं आप मैथ के लोगों को ही टारगेट करें, आप केमिकल इंजीनियर्स और दूसरी जो इंजीनियर्स की जो रेलिवेंट फील्ड है उनमें जाके देखें जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट मिल रहे हैं। मोस्टली अगर हम देखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल के हम मेथड्स हम देख रहे होते हैं, जो न्यूमेरिकल का हमारा काम है तकरीबन, ये सारे फिजिक्स में केमिकल इंजीनियर्स और अदर जो इंजीनियरिंग फील्ड है उन सब में ये चल रहा होता है। तो ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट या कोई सीट्स एडवर्टाइज होती हैं आप लोग देखें, तो आप नज़र रखें इधर में भी, अदर इंस्टीट्यूट्स में भी, सब में जहाँ पर इंजीनियरिंग की हो रही है, फिजिक्स की हो रही है और दूसरी भी हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाहिर सी बात है जब आप बहुत मतलब आप बता रहे होते हैं, आपको मेल लिखना, आप एक अच्छी सी मेल लिखें सुपरवाइजर के साथ, उसके रिसर्च इंटरेस्ट देखें, अगर वो आपके साथ वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अलाइन कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो फिर भी अगर आप देखें कि आप उस फील्ड में चल सकते हैं, ठीक है, तो जो मेरी मतलब कि फर्स्ट मीटिंग थी वो उन्होंने ही 1 आवर मुझे दिया, उन्होंने अपना काम सारा समझाया, सारा कुछ किया हुआ सारा कुछ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अभी आप के पास 2 वीक का टाइम है, आप देखें अगर आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग यही है कि आप मेल्स करें, ठीक है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज के अलावा मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना उसको उस पर फोकस करें, उधर देखें, उसमें सीट्स एडवर्टाइज होती रहती हैं। ठीक है, तो बाकी जवाहरी आपका। ये ना इंस्टीट्यूट्स के हम असल में यही कोशिश कर रहे होते हैं कि मैथमेटिक्स में अप्लाई करें। लेकिन जब मैं यूरोप में आया तो मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आके, यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसा कि आप डाटा साइंस में भी पीएचडी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल, इवन के मेरे मेरे साथ एक लड़का है
वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है वो अपनी पीएचडी कर रहा है, लेकिन है वो मैथ डिपार्टमेंट का। मेरा खुद का जो प्रोजेक्ट है वो है तो मेरी पीएचडी मैथमेटिक्स में है, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है जो कि एक न्यूरो साइंस के रिलेटेड है। ठीक है, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। लेकिन किस चीज की जरूरत है कि हमें लोगों को बताना होगा कि मैथमेटिक्स सिर्फ ये फॉर्मुलेशन का नाम नहीं है बल्कि एप्लीकेशंस का भी नाम है। मैथमेटिक्स को यूज करते हुए आप किन फील्ड्स में जाके, जैसे जिशान ने बताया कि उनके साथ फिजिक्स के लोग भी हैं सोसाइटी में, फिजिक्स के भी हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात को रोक के अनिका आप थोड़ा सा हमें बता दें कि जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा में एडमिशन हुआ माशाल्लाह, फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में इटली में एडमिशन हुआ, फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलगोंग में एडमिशन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप इस जो अचीवमेंट है इसके पीछे आपकी मोटिवेशन क्या है, लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? हमें सिर्फ आपके 2-3 सेंटेंस चाहिए जो कि लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हों। आप हमें सुन रही हैं निका? एक मिनट मैं चेक कर लूँ मीटिंग में। अनिका आप हमें सुन रही हैं? ओके, जवाब मैं थोड़ा सा ऐड करता हाँ जी। हूँ। अच्छा, और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं आपको एक और फायदा बताता हूँ। लाइक अगर आप अभी कुछ ओपन भी होंगी पोजीशन की, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बाद आपका अप्रूव होता है तो जारी सी बात है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और 99% ये होगा कि आपको जब आप इंटरव्यू के लिए आपको फिजिकली ये कॉल करने की कोशिश करेंगे कि आप फिजिकली आए इधर, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और ये सब भी फुली फंडेड होता है आपके लिए, आपका वो टिकट अकोमोडेशन एवरीथिंग, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी आएंगे वो भी सब कुछ आपके लिए सारा फंडेड होगा। तो सेकंड थिंग यही है कि आप अपनी फील्ड का बंदा ढूंढें, ठीक है, कोई आपके साथ जो अलाइन कर रहा हो, ठीक है, उसको उससे कॉन्टेक्ट में रहें, ठीक है, तो वो रेलिवेंट के जो फील्ड के आप उनके सारा कुछ उनके साथ मतलब कि ना डिस्कस कर सकते हैं। उस्मान आप हमें सुन रहे हैं? उस्मान मुशरफ जी जवाब भाई, यार, आप हमें थोड़ा सा बता दें कि आपकी जो अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया में, तो आप किस तरह यहाँ तक पहुंचे हैं? क्या आपने पहली दफा अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया, या किस तरीके से आप यहाँ तक माशाल्लाह से आपका एडमिशन हुआ है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने जो मोटिवेशन जो ली है, जो भी मोटिवेशन ली है एडमिशन के लिए, पीएचडी के लिए, मैंने जवाद भाई से और जो इनका ग्रुप चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, मैंने सारी यहाँ से ही ली है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म जो आज भी चला रहे हैं, जूम मीटिंग रख रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं हम सबके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये जूम मीटिंग में लाजमी ज्वाइन किया करें और इस मतलब और एक्टिव रहा करें। और इसके अलावा हर जवाब भाई जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी स्पीकर होते हैं, वो आपको यही गाइड करते हैं, अपनी सीवी बेहतर करें, मोटिवेशन लेटर एंड रिसर्च प्रपोजल, ये तीन चीजें बहुत डिपेंड करती हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के लिए। ना आपको रिसर्च प्रपोजल और मोटिवेशन लेटर उसके साथ लाजमी अटैच करें। तो अगर कोई प्रोफेसर आपके साथ इंटरेस्टेड होगा, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो प्रोफेसर आपको गाइड करेगा, आपको आपको एडमिशन के लिए आपको वो लाजमी गाइड करेगा। तो मेरी भी जब मैंने कंपनियों में अप्लाई कर रहा था तो मैं इससे पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर चुका था, इवन स्पेन में भी एक दो बार्सिलोना में यूनिवर्सिटी थी, वहां पे मैंने अप्लाई किया। इसके अलावा इटली में तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुका था, लेकिन मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं हो मिल रहा था।
तो लेकिन मैंने कंपेनिया में जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने वहां पे अप्लाई किया, तो मुझे वहां पे एक प्रोफेसर से मैंने बातचीत की और उन्होंने मुझे गाइड किया। तो देन मैं रिसर्च प्रपोजल, मैंने सबसे पहले मैंने उससे पहले मैंने रिसर्च प्रपोजल मैंने अच्छा सा बनाया हुआ था, तो जिसकी वजह से प्रोफेसर ने मेरे में इंटरेस्ट लिया, देन उन्होंने गाइड किया। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं है, अगर आपके पास सीवी अच्छी नहीं बनी हुई, तो मोटिवेशन लेटर अच्छा नहीं है, तो वो आपको कभी भी गाइड नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा ये सिंपल से नेट से इंटरनेट से उठा के इसने जस्ट मुझे पेस्ट कर दिया है और ये अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट तो हजारों स्टूडेंट उनको मिल जाते हैं, लेकिन उनको वही चाहिए जो उनके मुताबिक चल रहा हो, जो उसने काम खुद मेहनत की हो, हार्ड वर्क किया हो। तो मैं सबसे पहले आपको यही मशवरा देता हूँ, अपनी सीवी, रिसर्च प्रपोजल और मोटिवेशन लेटर, और ये आपका बेहतरीन होने चाहिए आपके। और एक प्रोफेसर को ईमेल लाजमी किया करें। इवन मैं भी तकरीबन दिन में 100 ईमेल में कर देता था, तो वो मैं वैसे रैंडमली ईमेल में कर देता था। लेकिन लेकिन ये था कि फिर मैं सोचा कि मैं रैंडमली ईमेल क्यों कर रहा हूँ, वैसे ही क्यों कर रहा हूँ। फिर मैंने कुछ टाइम लगा के, मतलब एक टाइम लगा के एक दिन में 2 से 3 ईमेल करना स्टार्ट की, ताकि एक अच्छी ईमेल मैं लिखकर उनको ईमेल करूँ, ताकि उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स भी आए मुझे। तो देन मुझे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने जब कंपेनिया में अप्लाई किया और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिशियली जो प्रोफेसर ने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, वहां से मुझे इनिशियली मैं पास हो गया। देन इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में भी मुझे प्रोफेसर ने गाइड किया, क्योंकि मैंने एक अच्छा उनको रिसर्च प्रपोजल, एक अच्छी चीज उनको एक मैंने उनको प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से वो मुझे इंटरेस्ट लिया और उन्होंने मुझे गाइड किया। और देन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और ये सब कुछ जो मैंने सीखा है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैंने सीखा है, इस मैथ मीडिया और एंड जवाद भाई और जितने भी स्पीकर यहाँ पे आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्कॉलरशिप लेना इतना मुश्किल नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेना मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको ये मीटिंग सुननी पड़ेंगी, और मोटिवेशंस आपके अंदर मोटिवेशन और बिलीव होना चाहिए आपके अंदर, ये चीज़ बहुत जरूरी है। मोटिवेशन और बिलीव नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप सोचें भी ना कि आपको हो सकता है। आप मोटिवेशन और बिलीव आपके अपने अंदर होना चाहिए, देन आप इजीली इंशाल्लाह आप इजी स्कॉलरशिप को कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, आप किसी भी कंट्री में आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है उस्मान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यार, आपने हमें मोटिवेशन दी, जज़ाकअल्लाह। अभी हम लास्ट बाद में क्वेश्चन भी लेंगे, इससे पहले हम अनिका, आप हमें सुन रही हैं? जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, तो आप भी जिस तरह से उस्मान ने थोड़ा सा मोटिवेशन हमें दी है, जिस तरह से उनको अचीवमेंट मिली है, तो आपका भी यूनिवर्सिटी ऑफ फिरारा, यूनिवर्सिटी ऑफ बरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलगोंग ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ है, तो आपकी क्या मोटिवेशन है इसके बिहाइंड ना? मोटिवेशन लाइक आप देखें कि सब कह रहे हैं कि तीन तीन जगह पे हो गया है, ठीक है, इसको लकी भी कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरा तीन जगह, मैंने तीन ही जगह पे अप्लाई किया और मेरा तीन ही जगह पे हो गया। मैंने को आई थिंक 30 to 35 places पे अप्लाई किया है, और आई एम अप्लाइंग फ्रॉम जनवरी। सो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें आप लोग, और ग्रुप्स ज्वाइन करें, मोटिवेशन लें, और कॉल्स को अच्छी तरह रीड करके फिर उसके मुताबिक आप बनाएं। जैसे कि काफ़ी जगह पर होता है कि रिसर्च प्रपोजल उनको उनके मुताबिक चाहिए होता है, कि वो लोग बता रहे होते हैं कि भाई हम इस ये काम करना चाहते हैं। कहीं कहीं होता है कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उठा के वैसी चीज़ें मारते हैं कि भाई अप्लाई हो गया एक दिन में, और कहते हैं कि भाई हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा। तो आप अच्छे से कॉल्स देखें, ग्रुप्स ज्वाइन करें, लाइक ये मैथमेटिक्स मीडिया, मैंने तो सारा कुछ यहीं से किया है, बट आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि यही ग्रुप, बट और भी ग्रुप्स ज्वाइन करें, मोटिवेशन लें और अप्लाई करें। एग्जैक्टली थैंक यू वेरी मच, और यही बात है, लोगों का जब कमेंट्स सुनते हैं तो हमें यही मिलते हैं कि आप लोग मैक्सिमम अप्लाई करें और अपनी सीवी, मोटिवेशन लेटर और रिसर्च प्रपोजल को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इन्होंने लफ्ज़ बोला है कि काल का, तो काल का मतलब ये है कि जब अप्लाई करने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती है जो कि एक एज अ पीडीएफ होता है, आप उसको अच्छे तरीके से रीड किया करें। लोग क्या करते हैं, उस पीडीएफ को रीड नहीं करते और उसी टाइम ही, बिल्कुल अभी स्कॉलरशिप आता है या ग्रुप में, उसी टाइम ही पर्सनल आके मैसेज करना पूछ देते हैं, यहाँ अप्लाई हो सकता है, यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखें, एक बंदे ने बैचलर कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद उसने मास्टर कंप्लीट किया, अगर फिर भी वो पर्सनल आके इस तरह के क्वेश्चन, हम नहीं मना नहीं करते कि क्वेश्चन पूछें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि
जब आप लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे कि इस तरीके से पूछेंगे, तो कोई भी आपको फिर अच्छे से रिप्लाई नहीं करेगा। रिप्लाई हमेशा आपका किस तरीके की बात का किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीवी बनाएं, ठीक है, सीवी बना के या मोटिवेशन लेटर बना के आपके पास, जाहरी बात है हम पाकिस्तान से हैं, आप हमारी ईमेल भी आप लोगों के पास है, जिस तरह से ये पेज पे मैंने शेयर की थी, आप सिंपल वहां पर ईमेल करें कि आप हमें रिव्यू कर दें, तो आपको होपफुली आपको 2 या 3 दिनों में उसका जो है वो जवाब मिल जाएगा, आपका रिव्यू होकर सीवी वापस आ जाएगी कि किस तरीके की आपको सीवी में चीजें कम में या ज्यादा करनी है, ठीक है। तो ये कोशिश किया करें, बराए मेहरबानी। और दूसरी मेल की बात की थी उस्मान भाई ने, तो उस मेल में इस तरह होता है कि आप मेल को बहुत ज्यादा लंबी ना करें, क्योंकि मैंने चीजें इधर आके देखी हैं, प्रोफेसर बहुत ज्यादा लंबी मेल को नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को बताते हैं थोड़ा सा, चैट जीपीटी हमें निकाल के दे देती है ईमेल तकरीबन 20-30 लाइनों की, हम वहां से पकड़ते हैं फिर सीधी जाके को। अब देखें एक और चीज मजे की बताऊं, जब आप लोग चैट जीपीटी से सीधी कॉपी पेस्ट मार के ईमेल में आते हैं, तो वो ब्लैक कलर में आ जाती है, वो जो ही उनके पास जाती है तो उनको पता चल जाता है ये तो सारा इसने कॉपी पेस्ट मारा। तो हम लोग ज्यादातर ये करते हैं। फिर दूसरी बात ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वैसे नहीं भी किया, कहीं और कॉपी पेस्ट मार के दोबारा से आए, तो फिर क्या होता है, फिर चैट जीपीटी हमेशा ना कुछ लफ्ज उसके बड़े कॉमन से हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे भी सेंड करें, मैं एज एक प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई भी बंदा मुझे ईमेल करे तो मुझे पता चल जाता है कि इसने अपनी वर्डिंग में लिखी है या चैट जीपीटी से लिखवाई है। तो कोशिश करें चैट जीपीटी को यूज करें, लेकिन उसके बाद उसमें चेंजिंग भी कर लें खुद से, ठीक है, जो आप कर सकते हैं इजीली। और वर्डिंग हमेशा बहुत सिंपल रखे, बहुत ज्यादा मुश्किल लफ्जों में बताएंगे तो हम, हमारा कोई कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो है नहीं है, उनको सारा पता कि पाकिस्तान इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं आता, तो इतने मुश्किल लफ्ज बोल के आप उनको इंग्लिश में ये साबित ना करें कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, बल्कि ये साबित करें कि हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, जब आप लोग अप्लाई करते हैं ना कहीं पर भी, तो उसकी कुछ चीजें जो हैं वो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, जो कि मतलब हर एप्लीकेशन के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर भी जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह का आपके सामने आएगा, या एज अ सैंपल के तौर पे, कि यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, तो आप अपनी ईमेल से रजिस्टर्ड करें अपने आप को, फिर दोबारा से वो जो पासवर्ड से आपने रजिस्टर्ड किया और ईमेल से किया, उसी से आप लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन वहां फिल करें, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनको दें। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीवी चाहिए होती है, अगर तो आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है कि यही हो, तो आप कोशिश करें कि यूरो पास का फॉर्मेट यूज करें। अगर यूरो पास का फॉर्मेट यूज नहीं करना, तो ओवरलीफ का हर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पता है कि ओवरलीफ क्या है। अगर नहीं पता, तो बजाय इसके कि आप लोग पूछें ओवरलीफ क्या है, मैं आपको चीजों को बताता हूँ कि जब सीखनी हो, मतलब मैंने ओवरलीफ का यहाँ कह दिया कि ओवरलीफ क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप ओवरलीफ का लिखें गूगल पे जाके, तो आपको पता चल जाएगा ओवरलीफ जो है वो एक एडिटर है जहां पर हम चीजों को लिखते हैं, और पीडीएफ जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। तो आप वहां से ये चीजें, फिर उसके बाद अगर आपको फिर भी ये चीजों का नहीं पता चल रहा, तो आप यूट्यूब किस लिए, वहां से हम हर चीज देख रहे हैं आजकल, तो वहां पर एक वीडियो देख लें कि ओवरलीफ है क्या। तो ओवरलीफ एक सिंपल चीज है, जहां एक साइड पे आप मैथमेटिक्स की कोडिंग दे रहे होते हैं, दूसरी साइड पे आपका पीडीएफ क्रिएट हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये सब ने बताया कि लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और इसको अच्छा करने की कोशिश करें। मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप प्रोफेसर को या इंस्टीट्यूट को बता रहे हैं कि आपकी इस एप्लीकेशन के पीछे मोटिवेशन क्या है, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ली ग्रुप्स जब का ली ग्रुप में पीएचडी करनी है, ली अल्जबरा में करनी है, तो आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे उस इंस्टीट्यूट को कि आखिर मैंने इस फील्ड में आके पीएचडी करनी है, तो आपको जाहिर की बात है पीछे बताना पड़ेगा कि मेरा जो बैचलर था उसमें मैंने प्योर के सब्जेक्ट पढ़े, फिर जो मेरा मास्टर था उसमें मैंने इस तरह का थीसिस लिखा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका थीसिस और वो फील्ड जो है वो आपस में मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेशन तो देनी होगी ना, कि आखिर फिर आपने ये फील्ड को क्यों छोड़ा। तो उसको मोटिवेशन को जब चेंज करते हैं, तो कुछ इस तरह से करते हैं कि मैंने मास्टर में ये सब्जेक्ट पढ़े थे, बट ऑन द टाइम जो है वो मुझे थीसिस इसमें लिखना पड़ा, बट मेरी जो विश है, मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं पीएचडी करूँ या चाहता हूँ। तो कोशिश करें कि वहां कुछ मोटिवेशन देने के लिए लिखें कि मैंने इसलिए ये वाली ली अलजबरा की या ली ग्रुप्स की जो है वो बुक पढ़ी, ताकि
मेरी जो बेसिक मैथमेटिक्स या ली ग्रुप्स की या ली अलजेब्रा की वो स्ट्रोंग हो जाए, जिस वजह से मैं इजीली पीएचडी कर सकूं इस फील्ड में। तो ये मोटिवेशन होती है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कोशिश करें कि ये जब आप अपने टीचर्स को कहते हैं तो टीचर्स कहते हैं आप खुद बनाएं, तो जब आप खुद कहते हैं कि खुद बनाएं तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाने का तरीका सुन लें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाएं, बेशक चैट जीपीटी, मुझे चैट जीपीटी से कोई इतराज नहीं है, बेशक उसी से बनवाएं, लेकिन रिकमेंडेशन लेटर बेशक बहुत छोटा हो लेकिन उसमें लफ्ज अच्छे हों। मसलन हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या लिखते हैं और हमें रिक्वायर क्या, सुन लें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जो पाकिस्तान में लिखते हैं, हम लिखते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, कि ये जवाद है, ये मेरा स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर ये है, ये इस साल आया था, ये इस साल इसकी डिग्री खत्म हो गई, ये हमारे प्रोफेसर लिखते हैं, ये हम लिख रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छा था क्लास में, ये बहुत काबिल था, ये इसने टॉप कर दिया, और दो तीन चीजें, ये बहुत रेगुलर था, ये वो, ये तो चीजें हमें रिक्वायर ही नहीं है। अगर आपका प्रोफेसर आपके बारे में सिर्फ ये चीज लिख ले कि ये जवाब था, इसने मेरे पास ये वाला कोर्स पढ़ा, मसलन मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूं, तो हम सिंपल बुक ले लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप उसमें लिखे हैं कि इसने मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा, ठीक है, कोर्स पढ़ने के दौरान ये इंटरेस्टेड था फलां इक्वेशन में या फलां किसी मॉडल में, ठीक है, अब वो जो मॉडल था वो अभी तक एज अ अनसोल्व था, किसी ने सोल्व नहीं किया था, बट इसके पास वो एबिलिटी थी, इसने कोशिश किया और उन इक्वेशंस को काफी हद तक सोल्व करने की कोशिश की। अब आपका प्रोफेसर लिखे है कि मैंने जो चीजें नोट की हैं वो ये नोट की हैं कि इसमें रिसर्च की एबिलिटीज हैं कि जो फ्यूचर में पीएचडी के बहुत काम आ सकती हैं। ये तो जो तीन चार लाइनें हैं ये आपका बता रही है प्रोफेसर आपकी किस बात से आपको रिकमेंड कर रहा है, ना कि इसका रोल नंबर ये है, ये है, ये है। मेरे ख्याल में आपको ये चीजों की समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर हम, ये तो बीडी की बात की, आप कम्यूटेटिव अलजबरा में भी इसी तरह से लिख सकते हैं, होमोलॉजिकल अलजबरा में भी लिख सकते हैं, बनाक अलजबरा में भी, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, वट एवर जो भी सब्जेक्ट है। आगे आता है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हमारे लिए बनाना काफी मुश्किल होता है, ये बात तो क्लियर है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये आसान है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल के लिए आप 3 से 4 पेजेस में अपने प्रोफेसर को या इंस्टीट्यूट को ये बता रहे होते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम को हमने किस मेथड से हमने सोल्व करना है, और इसके, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आए, जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो लिखें कि हमारे रिजल्ट्स ये आ सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी को यूज करें, लेकिन चैट जीपीटी को इतना यूज ना करें कि कॉपी पेस्ट और पीडीएफ, बस यहां तक नहीं। मसलन अगर आपको आ जाता है कि आपने न्यूरल नेटवर्क पे एक जी बनाना है, यूज करते हुए मैनिफोल्ड्स को एक बनाना है आपने रिसर्च प्रपोजल, तो आप किस तरह से बनाएंगे? आप चैट जीपीटी को इस तरह से कहेंगे कि मुझे एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए पीएचडी के लिए, जहां पर मैंने मैनिफोल्ड्स को यूज करते हुए मैंने जो है वो न्यूरो साइंस पे जो है वो एक मुझे चाहिए रिसर्च प्रपोजल, और वो मैक्सिमम 4 से 5 लाइंस का हो, जिसमें मेरे पास रेफरेंस भी हो 3 4 किसी बुक वगैरह के, वो आपको एक दे देगा। फिर आप उसको गौर से पढ़ें, पहले तो उसको सिंपल वर्डिंग में कन्वर्ट करें। मैंने पहले बताया कि सिंपल वर्डिंग हमेशा इंसान को बचाती है, ठीक है, अगले को भी समझ आती है, इंसान को खुद भी समझ आती है, और फ्यूचर के लिए भी वो चीज कारआमद होती है। तो वो चीजें आप रिसर्च प्रपोजल में लिखें, मसलन कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम काम करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे, फिर उसकी बेसिक्स को समझें, फिर उसको मेथडोलॉजी को देखें कि ये मेथडोलॉजी, हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, कोई मैथमेटिक्स से बाहर चीजें नहीं जाएंगी, मैथमेटिक्स में अगर मैनीफोल्ड है तो मैनीफोल्ड टोपोलॉजी है, उसने कहीं दूर नहीं चला जाना, तो ठीक है, तो वो चीजें जाहिर बात है मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, तो आप उनको देखें, आप अगर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर लें। रिसर्च प्रपोजल का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपने पीएचडी उसी में ही करनी है, लेकिन ये एक ऐसा समझ लें कि इंस्टीट्यूट को चाहिए होता है, वो आपकी एबिलिटीज देख रहे होते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम बनाना आता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बाद में बेशक जो है वो सुपरवाइजर रिसर्च प्रपोजल की बेस पे आपको पीएचडी ना करवाए। लेकिन मोस्टली लोग, वो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा, इटली में क्या करते हैं जो स्कॉलरशिप्स आते हैं, ये जो आपका कॉम सेट्स में एक होता है जो थीसिस जमा करवाने से पहले सिनोप्सिस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल में, लेकिन उसमें भी आपको कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी, तो ये सारी मेहनत है, कोई आपको नहीं बना के देगा, आपको खुद ही से मेहनत करनी पड़ेगी, जब मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जो कि बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो आपके मैट्रिक
और FSC, ये तो ग्रेड जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये आपका वीजे के लिए रिक्वायर है। इसके लिए आप मैटर को, अगर तो बाहर आने का प्लान है, अभी से अपने मैटर को और FSC के डॉक्यूमेंट जो हैं वो बोर्ड से वेरीफाई करवाएं। बोर्ड जब वेरीफाई करता है तो आपको IBCC जाना पड़ता है, लाहौर है या इस्लामाबाद, कहीं पर भी, अगर कराची से हैं तो कराची। फिर जब आप वहां से करवा लेते हैं तो आपने मैटर को और FSC का हो गया, फिर आपका रह जाता है बैचलर और आपका मास्टर। बैचलर और मास्टर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं HEC के पोर्टल। आप लोग पूछते हैं HEC के पोर्टल से कैसे अप्लाई करना है, तो जनाब YouTube पे वीडियो पड़ी है, आप वो वीडियोस देखें, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल वे, आप वहां से देख के अप्लाई कर सकते हैं HEC के पोर्टल से कि आपने बैचलर और मास्टर का कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और जब आप उसका अर्जेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, अर्जेंट में उसकी 3,000 एक्स्ट्रा फीस होती है, आप लाहौर में जाके एक दिन में अभी हो जाते हैं। अगर आपने वो भेजने हैं उनके एड्रेस पे, तो आपको मैट्रिक और FSC ये वेरीफाई होना चाहिए, और साथ में अपने ओरिजिनल मास्टर और बैचलर के डॉक्यूमेंट आपको इस्लामाबाद भेजने पड़ेंगे। वो मोस्टली मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो गए। लास्ट वेरिफिकेशन आपकी होती है मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो वहां पर वो भी एक दिन का काम है, तकरीबन 2-3 घंटों का। तो वहां से जाके अपने मूफा से लास्ट अटेस्टेशन करवा लें तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये अप्लाई करने के लिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये अप्लाई करने के लिए रिक्वायर नहीं है, ये वीजा के लिए रिक्वायर है, ठीक है। बकाया अटेस्टेशन के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट अपना आपको पता है हर शहर का जो जहां पर आपका एड्रेस है वहां पर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नंबर 3, पब्लिकेशन, अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो उसको भी एज अ PDF के तौर पे अपने पास रखें, ताकि कहीं पर भी जब अप्लाई करते हैं तो एक ऑप्शन होता है पब्लिकेशन का, तो वहां आप पब्लिकेशन अटैच कर सकते हैं। नंबर 4, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल जिस पर रजिस्टर्ड के सिग्नेचर होते हैं वो आप वहां से हासिल कर सकते हैं, उसकी भी फी होती होगी, ठीक है, तो आप वो हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपने मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लोर करना है, USA को, ऑस्ट्रेलिया को, तो कोशिश करें कि आइट्स कर ले। आइट्स या आप आइट्स सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल में। आप PTE भी कर सकते हैं, डिलिंगो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादातर लोग PTE करते हैं, तो जहां पर आपकी जो है एम है पहुंचने का, आप उस तरीके से आप मैक्सिमम ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है मोटिवेशन, इसके बारे में मैं काफी कुछ बता दिया है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल के बारे में आता है, तो हमारी दुआ यही है कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करें, जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह बड़ा मेहरबान होता है, हमेशा कामयाब करता है। तो अगर किसी के यहाँ कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट, तो वो पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जवाब भाई, क्या वालेकुम सलाम, हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जर्मनी और इटली में अप्लाई करना है तो उसके लिए ना यूनि असिस्ट आपने एक दफ़ा ग्रुप के अंदर शेयर किया था, उसके लिए डॉक्यूमेंट अपना अच्छी से वेरीफाई करके स्कैन करने होते हैं या वैसे भी हम स्कैन कर सकते हैं? आप विदाउट अटेस्टेशन के भी वहां पर जो है वो कर सकते हैं अपलोड, कोई मसला नहीं। वो यूट्यूब एक लड़का हसीब है, वो कहते हैं हमने वो डॉक्यूमेंट्स न्यूट्रलाइज करके भी भेजने होते हैं, उसके ये बगैर वो असल में कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें यूनि असिस्ट पर भी अप्लाई करें, और बाद में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी तक भी आप लोग ना पहुंचाएं, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। लेकिन मोस्टली जिशान आप बता सकते हैं, मेरे ख्याल में तो वो अटेस्टेशन के बगैर ही आप डायरेक्ट यूनि असिस्ट को अप्लाई करते हैं, और यूनि असिस्ट आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेज दिया, और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आपको एक्सेप्टेंस लेटर या रिजेक्शन, वट एवर जो भी डिसीजन हो, वो आपको आ जाता है। यूनिसिस्ट वाला कुछ दिन पहले भी मुझे ना कुछ लोग पूछ रहे थे और वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि वो यूनिसिस्ट को भी भेज देते हैं बाय पोस्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसकी ज़रूरत होती थी, उधर तो अपलोड करने थे उनकी साइट पर। सेकंड थिंग, अगर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के टाइम, जब इनरोलमेंट हमारी हो रही थी तो उस वक्त यूनिवर्सिटी भी मांगती है कि हमें बाय पोस्ट कर, लेकिन जब आपने तो हमें मेल ही करवा देती सारा, तो फिर हमने तो मेल ही कर दी थी उस टाइम, तो हमारा मेल ही एक्सेप्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने साथ मेल में बता दिया था कि हम अगर यहाँ आप रहने अपनी वाले सारी हैं। चीजें उनको बताएं ना कि हम इस तरह फॉरनर हैं, हमारे लिए ये मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, तो वो मेरे ख्याल में समझ जाते हैं। जो असल में आपने कोऑर्डिनेटर से इस बारे में जो है वो ईमेल करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हर चीज को हैंडल कर रहे होते हैं, वो आपका रिप्लाई उसी टाइम ही देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा और एक क्वेश्चन है, मेरा करनी जी,
सर 16 ईयर एजुकेशन, 2 2 ईयर्स है, मीन्स पहले BSc 2 ईयर्स, फिर MSc 2 ईयर्स, उसके बाद 18 ईयर्स मीन्स मास्टर के लिए अप्लाई करना है। तो इन दो डिग्रीज को किस बेस पे यूटिलाइज करना चाहिए, 14 ईयर या 16 ईयर को, और ये कैसे बाहर की कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है? ये देखें, जो आपकी 16 ईयर एजुकेशन है BSc प्लस MSc, ये इक्विवेलेंट है बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, मीन BS इन मैथमेटिक्स। तो ये सिंपल बात है कि आपने समझ लें BS किया हुआ है, तो BS के बाद आप MPhil अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब वहां पर आपने मसलन, वहां पर अगर ऑप्शन आता है कि आपने बैचलर की डिग्री, मतलब ज्यादातर ऑप्शन यही आता है कि आपने बैचलर, या अगर इटली में अप्लाई करेंगे तो वहां आएगा सिंगल कुछ इस तरह से ना, तो वहां पर आपने ये MSc और BSc की जो डिग्रीज हैं दोनों का कंबाइन PDF बना के आपने वहां पर अपलोड कर देना। इट्स वेरी सिंपल। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। एक मिनट एक मिनट, ये फरहान पूछ रहे हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। आपकी क्लियर होगी बात फरहान? ओके, मेरे ख्याल में वो यहाँ नहीं है। आप पूछें नेक्स्ट भाई ने, जिसने पूछी। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। जवाद भाई, ये जो चाइना में एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स भेजी जाती हैं, इसका लास्ट टाइम कब तक हम मेल्स भेज सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए? ओके, जो जो ईमेल होती है ना भाई, उसमें ये होता है कि ईमेल की कोई डेडलाइन तो नहीं होती। मसलन अगर आप किसी सुपरवाइजर को ये ईमेल कर रहे हैं कि मैंने आपकी पब्लिकेशंस देखे हैं या आपका रिसर्च फील्ड देखा है, तो वो मेरे साथ मैच कर रहा है और मैं आपके अंडर काइंड सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ, तो अगर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है, तो वो आपको उसी वक्त ये भी बताएगा कि ये फलाई यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, यहाँ पर मेरे एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू अप्लाई करें। तो इसकी कोई स्पेशल डेडलाइन नहीं होती। मसलन आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया, फिर उस प्रोफेसर का काम है कि आपको वो बताए कि अच्छा एडमिशन ओपन है, अभी अप्लाई कर दो, नहीं तो 2 महीने वेट करो और अपने पास एक्सेप्टेंस लेटर को रखो और मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहो, जो ही एडमिशन ओपन होंगे तो आप जो है वो मेरे बिहाफ पे एक्सेप्टेंस लेटर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक भाई जवाब। अच्छा, एक और सवाल ये था कि अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता है तो फिर भी हम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पोर्टल्स पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, CSC वगैरह? नहीं, उसके लिए ना मैं आपको CSE के लिए, मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस जो है ना वो जरूरी होती है PhD में, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बगैर चाइना में मेरे ख्याल में जो होता है वो मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मैं दोबारा से आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, उस ग्रुप में, तो वहां पर टॉक दी हुई है आशिक भाई ने, और उन्होंने बड़े एक्सप्लेन किया हुआ है मैथमेटिक्स के रिलेटेड ना किस तरीके से आपने CSE में अप्लाई करना। मुझे इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है क्योंकि आशिक भाई भी यहाँ मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम। जवाद भाई, डॉक्टर असमत मलिक बात कर रहा हूँ, PhD स्कॉलर, फाइनल ईयर CSE चाइना। ओके 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 सर, आप जवाब दे दें इस बात का फिर। मैं इस भाई को जो है ना आंसर करूंगा। इसमें ये चीज़ है कि 2019 के बाद से, यानी कि जब से कोविड आया है, इन्होंने अपना जो कोटा था स्कॉलरशिप का वो डे बाय डे कम करते जा रहे हैं। लाइक 2020 तक हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते थे, और उसके बाद अब इन्होंने कम करके सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक ये एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ उनकी डेट्स होती हैं। CSE की जो डेट होती है वो मोस्टली 31 मार्च तक की डेट होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो अपने पोर्टल के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन लेती हैं, और उन एप्लीकेशंस को वो फर्दर प्रोसेस करते हैं, और उनकी डेट समटाइम क्लोज जल्दी हो जाती है। लाइक मैं अगर अब चाइना की बात करूँ, तो इसमें HIT की बात करूँ, हर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, या एक और दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी दिसंबर से जो है वो ऑलमोस्ट उनकी लास्ट डेट होती है, 25 दिसंबर लास्ट डेट होती है CSE पे अप्लाई करने की। तो जो एक्सेप्टेंस लेटर रेशो है इस वक्त चाइना में स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, वो कम होती जा रही है, और आने वाले दिनों में शायद उसकी वजह ये बनी है कि जो पाकिस्तानी स्कॉलरशिप का कोटा था वो आजकल अफगानिस्तान और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन लोगों को जो है वो दे दिया गया है। क्यों? चूंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो पहले 2019 के अंदर जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस वक्त हमारे 39 टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 15 से 20 पाकिस्तानी थे।
और उसके बाद 2020 में एडमिशन हुए सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के एडमिशन हुआ, और 2022 में किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ यहाँ। और अब 23 आ रही है तो इसमें भी चांसेस कम है। मैं इस भाई को ये कहूँगा कि जैसे जवाद भाई और बाकी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना को ज़रूर फोकस करें, लेकिन इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ जवाद भाई और बाकी दोस्त जितने अच्छे इतने आपको गाइड कर रहे हैं तो आप इनसे गाइडेंस लें और बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करें। मेरे ख्याल में चाइना अब हमारे लिए तो थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। बाकी अगर किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो जवाद भाई आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, बाकी मैं भी हाजिर हूँ। जवाद भाई से कांटेक्ट कर लें, मैं जवाद भाई से रबते में इंशाल्लाह आऊँगा। जी ठीक सर, और बहुत चाइना शुक्रिया। में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूँ। जजाक अल्लाह। थैंक यू वेरी अस्सलाम मच वालेकुम। सर आपका। और नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सलाम, जुबैर। वालेकुम जवाद भाई, मैं ना बैचलर का स्टूडेंट हूँ अभी 7 सेमेस्टर का। तो आपने अभी तीन बातें की हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल, मोटिवेशन ऑफ लेटर, और तीसरी आप सीवी अच्छी बना लें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पास अभी 1-1.5 साल है, तो सीवी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करें कि हमारी सीवी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और अच्छी हो जाए, तो ऐसी क्या करना सीवी चाहिए को सीवी सीवी को? सबसे पहले तो आप टेम्पलेट मैंने बता दी है, यूरो पास है, और नंबर टू आप ओवरलीफ पर देखें लोगों की कितनी अच्छी अच्छी सीवीज हैं, जो हमारी नहीं बल्कि यूरोपियन लोगों की सीवीज कितनी अच्छी हैं। आप वहां पर कोई भी एक अच्छी सीवी का जो है वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। नहीं ओके जवाब मैं भाई, आपका क्वेश्चन समझ गया, उस तरफ जा रहा हूँ। आपने बोला कि सीवी किस तरह से इंप्रूव की जाती है, यही क्वेश्चन है ना? जी हाँ, तो इसमें यह है कि आप उसमें, जाहिर बात है पाकिस्तान में भी अभी जो है वो एक सिंपा होने को जा रहा है IBS अखर में और लम्स में, आप वो अटेंड करें, आप SMS की टॉक अटेंड किया करें अब्दुल सलाम स्कूल की, ठीक है, वहां से सर्टिफिकेट लें, ठीक है, वो अपनी CV में डालें, और आप इंटरनेशनल जो है गूगल पे सर्च किया करें कि मसलन अगर आप प्योर में हैं तो प्योर के रिलेटेड कुछ सेमिनार जो इंटरनेशनल होते हैं आप गूगल पे लिखें ना कि ये फील्ड्स के रिलेटेड, तो वो आपको देगा कि यहाँ यहाँ आप रजिस्ट्रेशन फ्री करवा सकते हैं, आप वो अटेंड किया करें, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर को वहां अपनी CV में डालते हैं तो आपकी CV असल में इंप्रूव हो रही होती है कि आपने USA में लीग ग्रुप्स की टाक अटेंड की हुई है, फलां प्रोफेसर की टाक अटेंड की हुई है, उसके लिंक साथ अटैच करें, ठीक है, और बकाया अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी उस तरीके से लिखें कि आपने जो है वो इस पर कोशिश करें, बैचलर का जो एंड वाला ईयर है किसी ना किसी प्रोफेसर के साथ ना कोई पेपर को एक्सप्लोर कर ले। वैसे ऐसी बात है नहीं है, पाकिस्तान में कम है, लेकिन आप कोशिश करें क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत होता है लेकिन हम करते नहीं है, मैं खुद भी जब था, तो आप कोई पेपर उठा लें एक, ठीक है, जो लेटेस्ट हो, मतलब 2023 का, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, वो अपना लिख दें कि इस फलां प्रोफेसर के साथ मैंने एज ए रिसर्चर के तौर पे ये काम किया, ठीक है, तो इस तरह से आपकी CV जो है वो इम्प्रूव अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम थैंक यू जवाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वालेकुम जवाद भाई। अच्छा वालेकुम सलाम। जवाद भाई, आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जो एक्सेप्टेंस लेटर हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर CSE की बात कर लेते हैं, तो उसमें प्रोफेसर को हम लिख रहे हैं, एक तो ईमेल लिख रहे हैं, उसके अलावा साथ CV लगा रहे हैं और बाकी सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन इसमें CGPA का कितना रोल है, या अगर है तो उसका मतलब क्या हिसाब किताब है CGPA का, इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? इस बात का आंसर सर असमत दे सकते हैं क्योंकि वो CSE होल्डर हैं, तो वो अच्छा आंसर कर सकते हैं आई थिंक सो। मेरे से जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यहाँ ये ऐड करूँगा कि मेरे ख्याल में CGPA इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है और आप अपने सुपरवाइजर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज मैटर नहीं करती, सारा सारा कुछ आपका। आवाज कट गई थी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई CGPA ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपका सुपरवाइजर है उसके साथ अगर आपकी रिसर्च, जो जैसे कि जवाद भाई ने पहले आपको बताया, हमारे यहाँ स्टूडेंट का एक जो एक्सेप्टेंस लेटर ना मिलने की एक मेन रीज़न है,
वो ये है कि अगर इनको अब पता है कि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं तो ये 10 प्रोफेसर से ये एक्सेप्टेंस ले लेते हैं और फिर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और बाकी टीचर जो है वो इसलिए दूसरे स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देते कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट को दे चुका हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी एक स्टूडेंट के साथ अगर सॉरी एक प्रोफेसर के साथ अगर हैं, उसी के साथ लॉयल रहें और इसी के साथ फोकस करें, उसके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में रहें। जब मैं यहाँ आया तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैंने आपको क्यों चूज़ किया, उसकी एक रीज़न ये थी कि मैंने 6 लोगों को एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन पहले डे से लेके एंड तक सारा प्रोसीजर जितना होता रहा मुझे बताते रहे, तो मुझे ये कन्फर्म था कि ये बंदा मेरे पास ज़रूर आएगा। इसीलिए मैंने 5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, उनकी CV आपसे बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। एक CV जस्ट उन्होंने ईमेल डाली थी, एक्सेप्टेंस ली और गायब हो गए। तो CGPA कोई मैटर नहीं करती। मैंने यहाँ 3.9 वालों को ड्रॉप होते देखा है और 2.8 वालों को सिलेक्ट होते देखा है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा, एक्चुअली काफी लोग हैं तो चलें इजाफा हो जाएगा उनके इल्म में भी। हमारे ना असल में या तो हमें ये चीज सिखाई नहीं जाती बचपन से या क्या है, ये मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। मसलन हमारे क्या लोग करते हैं, मसलन एक बंदे का चाइना में एडमिशन हो गया, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। उस बंदे ने 1 साल ऑनलाइन पढ़ा, फिर उसका वीजा 1 साल के बाद लगा, जैसे कि कोविड में मेरे ख्याल में ज्यादातर ऐसा हुआ था। फिर उन लोगों ने उस दौरान में ना यूरोप में अप्लाई किया, उनका किसी का यूरोप में, और ऐसे केसेस मैंने एक नहीं देखे, बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो चाइना गए हैं आराम से, चाइना से उन्होंने स्कॉलरशिप अपना पकड़ा है, डिग्री रास्ते में रह गई है। फिर वो दोबारा से जहां उनका दोबारा एडमिशन हुआ था स्पेन में या स्वीडन में जहां पर भी हुआ था, वो वहां अपनी डिग्री वहां छोड़ के अपने पैसे लेकर दोबारा से आराम से इधर आ गए। अब क्या हुआ, अब वो उनका तो फायदा हो गया जी, उन्होंने बहुत कमाल कर दिए, पैसे ले लिए जी, सारा जहां लूट लिया। मसला ये है कि वो जो पिछले पाकिस्तानी है ना, उनका इमेज इतना खराब हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे किसी चाइना के लिए नहीं है ये, एक एग्जाम्पल बताई है। ऐसे लोग यहाँ पर भी करते हैं, मसलन अगर किसी को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रहा है 1,000 यूरो, वो अपने बगैर सुपरवाइजर को बताए, बगैर इंस्टीट्यूट को बताए, उसको USA में स्कॉलरशिप मिल रहा है 2,000 जो है डॉलर, वो आराम से छोड़ेगा वहां चला जाएगा। तो ये एक अच्छी हरकत नहीं है। इस हरकत से क्या होता है, आपको फायदा तो फाइनेंशियल हो जाता है, लेकिन आप अपने, सबसे बड़ी बात है, आप अपने कंट्री का जो इमेज है वो सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक है, किन के लिए परेशानी होगी, आप तो चले गए हैं, परेशानी होगी पिछले स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ये बता रहे हैं असमत भाई कि वहां पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और आप ज्यादा कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को एक्सप्लोर करें, ना कि सिर्फ चाइना को करें, ताकि आपके ऑप्शन जो हैं सिलेक्ट होने के वो ज्यादा बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना है तो हाफिज। मैं ये ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से जी, जवाब भाई, मैं यहाँ एक ये चीज यहाँ ऐड ये करना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपके डिपार्टमेंट है उस बेस करता है कि वो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम करवा रहे हैं या इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम करवा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चुप करके अप्लाई कर देते हैं सी उस पे, लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो लोग पहले अप्लाई कर रहे हैं वो जाके कंफर्म कर लें, ईमेल कर लें IAS ऑफिस को, उनसे पूछ लें कि जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं क्या वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या चाइनीज में है। अगर तो वो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है तो उनको मस्ट HSK जो है वो चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट में चाहिए और कुछ यूनिवर्सिटीज को ग्रेजुएशन पे चाहिए। ये चीजें पहले कंफर्म करेंगे तभी जाके उनका वो चांस अवेल हो सकता है, अदरवाइज वो उनकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर ही नहीं की जाएगी और उनका एक साथ पूरा जाया हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। चले आगे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर काफी टाइम भी हो गया क्योंकि काफी चीजें सलाम हमें अलैकुम डिस्कस जवाद भी। भाई। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर को टारगेट किया था, तो उन्होंने मोटिवेशन लेटर को और CV को रिव्यू करने के बाद मुझे मेल की कि जो आपका मोटिवेशन लेटर और CV रिव्यू करने के बाद मैं इस स्टेज पर पहुंचूं कि आप मेरे रिसर्च ग्रुप के साथ ना अलाइन नहीं कर रहे। और लेकिन स्टार्ट में उसने ये भी लिखा था कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर मेल टू परस्यू हायर एजुकेशन अंडर माई सुपरवियर।
लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि जो उसने अलाइन नहीं करे, तो अब मुझे उसको क्या क्या जवाब देना चाहिए, कैसे मेल करनी चाहिए? देखिए, उस असल में जब भी कोई प्रोफेसर आपको बाहर से लाइक मैं इसको रिजेक्ट तो नहीं कह सकता, आपको ना करता ऐसा मेल है, ठीक है? रिजेक्ट का मतलब तो यह है कि आपने एक प्रॉपर अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने आपने रिजेक्शन कर दी। आप सुपरवाइजर को जब ईमेल करते हैं तो इनका तरीका एक बहुत अच्छा है कि ये बहुत पोलाइट अंदाज से या तो हाँ करते हैं या ना करते हैं। मसलन अगर आपने मुझे मेल किया कि मैं आपकी सुपरवियर में पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करूंगा कि आपने मेरी बायोग्राफी पढ़ी, मेरी पब्लिकेशंस को पढ़ा, मेरा सारा कुछ रीड किया, और आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मुझे ईमेल की और आपने अपना टाइम निकाला। तो मैंने आपको कहा है थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक ईमेल की है, और गुड लक फॉर द नेक्स्ट जो है स्टेज आपका, जो अगला अप्लाई करना है। लेकिन आपकी मैंने सीवी और मोटिवेशंस को पढ़ा है, वो आपकी रिसर्च जो जाहिर बात है वो नहीं मैच कर रही होगी, तो उसने बोला है आपको जाहिर बात है, तो आप उनको ईमेल करें थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे एक्सप्लेन कर दें, थैंक यू, बस सिंपल। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है उनको रिप्लाई। सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच भाई। एक मिनट, ये हैंड रेज किए हैं फौजिया यासीन से पूछ जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन असमंदुल्ला साहब से है। उन्होंने अभी मेंशन किया था एक पॉइंट के एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली गायब हो जाते हैं, तो उनका कांटेक्ट नहीं रह पाता लॉन्ग टर्म के लिए प्रोफेसर से। तो मैं इसको मजीद क्लियर करना चाहती हूँ, लाइक अगर एक प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है, उसके बाद अगर स्टूडेंट उससे फर्दर कॉन्टेक्ट में रहना चाहता है लेकिन प्रोफेसर उसको रिस्पॉन्स नहीं देता है एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या उसकी चांसेस कितने हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आंसर स्कॉलरशिप्स जो हैं चाइना की आंसर स्कॉलरशिप, उसकी इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स भी पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। थैंक यू। जवाब भाई इजाजत है? नहीं, इजाजत नहीं है, आप बिल्कुल आंसर करें, क्योंकि मैं इसका बेहतर आंसर नहीं कर सकता, तो इसमें इजाजत लेने की बात नहीं है, बिल्कुल करें आप आंसर। जी सिस्टर जजाकला। और मैं आपको यहाँ ये बात बताऊं कि जैसे आपने कहा कि कांटेक्ट में नहीं रहते, अगर किसी स्टूडेंट ने चाइना को ही फोकस करना है तो वो अपना सबसे पहले वी चैट, आपको पता होगा कि चाइना के अंदर वी चैट यूज होता है सबसे पहले, और आप अपना वी चैट जब भी आप सीवी में मेंशन करें तो वहाँ वी चैट जो है वो मस्ट मेंशन करें कि आपका ये वी चैट नंबर है या ये वी चैट अकाउंट है। अगर तो प्रोफेसर को आपकी सीवी लगती है, हाँ कोई ऐसी है सीवी, तो वो आपको बाज़ुकात ये भी करते हैं कि वो आपको ईमेल का रिस्पॉन्स करने की बजाय वो डायरेक्टली आपको वी चैट के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। देन वो आपके साथ, अगर उनको लगता है कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आपको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, देन वो आपके साथ वी चैट पे ही कांटेक्ट रखते हैं। अदरवाइज तो उनके पास, जैसे जवाद भाई ने कहा कि चैट जीपीटी को लिखा कि 1000 वर्ड्स की जो है ना मुझे ईमेल लिख दें, तो इतनी लंबी ईमेल होती है कि प्रोफेसर को ये समझ नहीं आती भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें शॉर्ट टू शॉर्ट बिल्कुल छोटी सी ईमेल लिखें, उसके अंदर अपनी सीवी अटैच करें, और वेरी सिंपल, बिल्कुल चाइनीज प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता, इवन के हम, मेरे सुपरवाइजर है वो बिजी होता है इतना ज्यादा कि समटाइम मैं उसको अपनी कोई रिसर्च के रिलेटेड भी बात करूँ ना तो उसको 1 हफ्ता लगता है उसको रिस्पॉन्स करने में। तो इसी तरह शॉर्टली चीजों को लिखें, अपनी सिंपली सिंपली चीजों को बताएं उनको कि ये चीज है। और सेकंड जो था उसमें आपने एक क्वेश्चन उठाया कि आंसर स्कॉलरशिप, बिल्कुल उसके लिए एक चीज है कि आपको किसी भी प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद देन अगर आपको उनको लगता है कि हाँ कोई आपकी सीवी में या ऐसी चीज है कि वो आपको कंसिडर करते हैं, जैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, उसी तरह वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, देन वो आपको खुद ही सुपरवाइजर असाइन करेंगे, जैसे जवाब भाई ने बताया कि इटली या बाकी कंट्रीज के अंदर होता है। तो चाइना में जो आंसर स्कॉलरशिप है उसका जो सीएससी है उससे डिफरेंट है, इसलिए आप अपना आंसर के लिए अच्छी सी सीवी और डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंगली जाके चेक करें, आंसर ने बड़ा क्लियरली वहां लिखा हुआ है, आप इंस्टीट्यूट को चेक करें कौन सा इंस्टीट्यूट है वहां, अपनी उसके अकॉर्डिंगली अपने अच्छा सा प्रपोजल बनाएं और प्रपोजल बना के आप अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जो सीएससी पे रिजेक्ट हो जाते हैं लेकिन आंसर पे सिलेक्ट हो जाते हैं।
जी तो हम अगर कुछ एक्चुअली जवाब मैंने रिसेंटली उस पे रिसर्च किया. आंसू के अंडर दो यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक यूकास और एक यूएसटीसी. यूएसटीसी में जरूरी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन यूकास में है. और दूसरी बात यह कि यूकास से एक प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद मैं, मतलब उसने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, तो मैं आगे ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि उसके बाद उसका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है. इवन मैंने उसको ईमेल किया प्रोफेसर को कि वी चैट पे ना मतलब वो हो जाए कांटेक्ट हमारा हो जाए आपस में, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है. वो एक्चुअली मैं ये बात कर रही थी. नहीं सिस्टर, उसमें अभी तक आप किसी भी इस लाइन इस तरह नहीं है कि आप वो आपको रिस्पॉन्स करे, क्योंकि अभी ना तो आपकी कोई सिलेक्शन हुई है ना आप कोई ऐसे प्रोसेस में हैं। तो अभी अगर आपको आ चुका है रिस्पॉन्स तो स्टिल अभी वेट करें, क्योंकि अभी तो जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट पड़ी हुई है वो देखें कि मुमकिन है आपसे बेटर उनके पास कोई कैंडिडेट आ जाए। अगर एक्सेप्टेंस दे दिया इट डजेंट मीन कि वो आगे किसी बेहतर होकर कैंडिडेट मिलता है तो आपको ही इस चीज़ पे करेंगे। तो जी बेहतर सर, ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और आखिरी डेट जब तक की इसकी है उस तक वेट करें। उसके बाद जैसे चीज़ें फाइनलाइज होना स्टार्ट होंगी प्रोफेसर डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और आपको बार बार ईमेल मैं करने से, चाइनीज की एक आदत है कि अगर आपको एक बात उन्होंने कह दी कि वो काम करेंगे तो वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे उसमें जो मर्जी कर ले। जी ठीक है. थैंक यू सो मच. ओके मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। सर, उन्होंने ये, अब मैंने मास्टर्स अपने एक लास्ट ईयर के सुपरवाइजर थे, उन्हें मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आपके पास कोई वैकेंट स्पेस है मास्टर्स की, कहते कि मैंने पांच, एक टीचर को पांच लॉट होती है, पांच के पांच को मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया. अब रखना उन्होंने एक था, मतलब वो एक से ज्यादा को भी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, फिर वो जो बेस्ट होता है उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसको उसकी अप्लीकेशन भी सपोर्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे फील हुआ है. हाँ मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सर मेरा क्वेश्चन है ये जीशान भाई से कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हम जो हैं, जो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज के अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? कहाँ से ने कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो या कुछ, या अकेले अकेले इस तरह, जिस तरह हमें खुद पता होना चाहिए रेफरेंसी से, दोस्तों वगैरह से पूछ के या सुन के इस तरह, या कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से पता चल सकते हैं तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट का यही है कि आप गूगल पर जाएं, गूगल करें तो आप स्पेसिफिक सिटी या स्पेसिफिक कंट्री का आप नाम लिख के अगर आप करेंगे तो आपको उधर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे. यहाँ एग्जैक्टली से आप अगर सिंपल लिखें मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट इन जर्मनी या रिसर्च सोसाइटीज इन मैथमेटिक्स इन जर्मनी, तो मेरे ख्याल में जिशान आई थिंक सो गूगल इसको फिल्टर करेगी। ठीक, बेस्ट हो गया. जीशान भाई से सवाल पूछना था सर. अपना मेरी एमफिल कंप्लीट है, तो आपने अभी कुछ दिन पहले ना जो स्कॉलरशिप भेजे थे मास्टर के लिए जर्मनी के, तो मैं एमफिल की डिग्री अपलोड करूँ यूनिसिस पे या ना करूँ अभी? करते हैं उसमें कोई मसला नहीं, अगर आप यूनिसिस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपका ऑलरेडी एमफिल है तो आप तो हाई सेमेस्टर में भी जा सकते हैं, आपका ऑलरेडी एमफिल है तो जरूरी नहीं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, आप हाई में सेकंड थर्ड में भी ट्रैक अप्लाई हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं एडमिशन जिनका ऑलरेडी मास्टर होता है, तो चलो आप ठीक, करें फिक्र मत। थैंक यू, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैं ना पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, उसमें ये कि मैं पहले एक्सेप्टेंस हासिल करूँ उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, या और आइल्स मुझे कब करना चाहिए? पहले एक्सेप्टेंस हासिल करनी चाहिए या पहले देखिए स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहिए? लेने के दो वे हैं, एक तो आप किसी प्रोफेसर से बात करके ईमेल के थ्रू आप उससे एक्सेप्टेंस ले लें बाद में अप्लाई करें, दिस इज अ वेरी सिंपल वे। दूसरा वे है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो आपका इंटरव्यू लें, फिर इंटरव्यू के लिए जब वो आपको कामयाब देख लें तो वो आपको पता तो उनको होता ही है ये सीट किस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको सुपरवाइजर वो वाला दे दें। तो इसके लिए यही है कि आप एक कंट्री को टारगेट ना करें जहां पर मैथमेटिक्स के स्कॉलरशिप्स आते हैं और आपकी फील्ड के रिलेटेड आते हैं, आपको वहां पर लाजमी अप्लाई करना होगा और आपको वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या इंस्ट्रक्शन में ये देखना होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। बाज बात इंस्ट्रक्शन में होता है कि आपने सुपरवाइजर को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने होते हैं, बाज में उन्होंने लिखा होता है कि आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि
वो जो इंस्ट्रक्शन या जो आपकी कॉल होती है अप्लाई करने की, आप उसको रीड करके लाजमी अप्लाई करें। इट्स मीन के पहले मुझे अपना क्राइटेरिया देखना चाहिए यूनिवर्सिटी की हाँ वेबसाइट पे कि हमें एग्जैक्टली। करना चाहिए या नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी की जो है वो जाहिर बात है वेबसाइट पे तो आप जाएंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे सारा कुछ लिखा होता है कि आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, तो आप डेफिनेटली वहां पर जाके सारी चीजें देख सकते हैं। सर आईएलटीस हमें कब करना चाहिए, पहले कर लेना आइल्स चाहिए अप्लाई करने से पहले? अगर आप यूएसए में अप्लाई कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करने से पहले ही करना चाहिए आइट्स। लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज में कर रहे हैं तो वहां पर आपको आइट्स की जरूरत नहीं होती। तो ये भी आपकी जहां पर आपने एप्लीकेशन देनी होती है तो वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मोस्टली जो है वो आइट्स रिक्वायर होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए या कनाडा। ठीक है, तो ये तीन चार कंट्रीज ऐसे हैं जिनका आइट्स के साथ लिंक है, तो यहाँ पर आइट्स के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसे ही कह लेंगे 2 या 3% यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा अभी ऐसा है कि मुझे ना ट्रांसक्रिप्ट रैमफिल का मिला नहीं है, तो क्या अगर मैं मेल करना चाह रही हूँ टीचर्स को तो क्या पहले मेल कर देनी चाहिए? मेल आप कर सकते हैं ठीक है, लेकिन आप अपनी सीवी के साथ फिर करें। ठीक है, सीवी पे अपना लिख लें स्कोर जितना भी है सारा कुछ, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स ना करें, ओनली सिर्फ सीवी कर दें। हाँ, सीवी अटैच कर दीजिए। सीवी अटैच कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम हाँ, मेरे ख्याल में वालेकुम मीटिंग सर। का। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी जी फाइनली। सर पूछना ये था कि अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है बाहर कहीं किसी भी कंट्री में, और वो पाकिस्तान में भी किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो और वो कोर्स वर्क वगैरह भी कंप्लीट कर चुका हो, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी रिसर्च भी कर रहा हो, तो क्या सीवी में या मतलब ये है कि किसी भी जगह पे उसको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी पीएचडी कंटिन्यू है या वो वर्क कर रहा है या इस फील्ड नहीं, में अगर तो कर रहा आपने है या नहीं? पीएचडी दोबारा से करनी है तो ये देखें कि जब आप लिखेंगे कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं दोबारा से पीएचडी में इनरोल होना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देना पड़ेगी कि आपने पहली पीएचडी क्यों छोड़ी। तो बजाय ये कि उस पीएचडी को आप वहां पर मेंशन करें, बेहतर ये है कि उस पीएचडी को आप सीवी में इस तरह से करें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा सेंटेंस, क्योंकि ये पहले भी मेरे ओके पास काफी ओके। क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ जी, थैंक यू। और सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब फर्ज करें कि मैंने अभी अपनी रिसर्च रिलेटेड जो है वो 7-8 आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन मुख्तलिफ जर्नल्स में सबमिटेड है, अभी कोई भी पब्लिश वगैरह नहीं हुआ, तो क्या ये हम सीवी वगैरह में मेंशन कर सकते हैं अपनी? आप हाँ बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, आप वहां पर लिख दें कि फलां एक्सेप्ट हुए हैं या आपने सबमिट किए हैं। सबमिटेड है जर्नल में, बाकी तो आपको पता है फिर प्रोसेस मेरे कैसे ख्याल होता है। में जो आर्टिकल होता है वो 2 लेवल्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप जब एक्सेप्टेड होता है तब कर सकते हैं, नंबर 2 जब पब्लिश होता है फिर तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन सबमिट तो आप हर बंदा कर सकता है, क्योंकि ये कोई डिसीजन पे तो कोई डिसीजन तो आया नहीं होता उसके रिलेटेड, तो आप मेरे ख्याल में जी तो जी ऐड नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग का टाइम जो है वो काफी हद तक एंड हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पार्टिसिपेंट, एंड मोस्ट थैंक यू जिशान, आप एंड तक हमारे साथ रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर करते रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर असमतुल्ला, तो आपने भी काफी हमारी हेल्प की है क्वेश्चन के आंसर करने में, और उस्मान मुशरफ, अनिका मेहराब, इन्होंने भी मोटिवेशन दी, इनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो वंस अगेन हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब इस प्लेटफॉर्म को हम मैथमेटिक्स के, जैसे हम कह रहे हैं कि हम सीवीज को कैसे इंप्रूव करना, तो यहाँ पर हम टास्क भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आप लोगों का, आप लोगों का हमें साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेट्स भी फिर अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और इंटरनेशनल जो टीचर्स है वो यहाँ आके टॉक देंगे ऑनलाइन ही, क्योंकि ये लोग सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, हमें पास ये कोविड में पता चला है जूम क्या होती है, टीम क्या होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को हम बेहतर अंदाज से ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हमारे साथ लोग टीम में शामिल हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक सबका जो है हामी व नासिर है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। सलाम अलैकुम।